हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टार क्लासेस में फिर से। तो चलिए आज बताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम लोग किसे बोलते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स का ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो 12th क्लास के इंपॉर्टेंट है 2021 एग्जाम के लिए 12th क्लास में। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज द इमेजिनरी लाइन्स ऑफ ए चार्ज पासेस थ्रू ए स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड लाइन, इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इसे हम लोग डिफाइन करते हैं इमेजिनरी लाइन से, जो चार्ज जो जिसका चार्ज पास करता है सीधा लाइन में, मतलब पूरा स्ट्रेट लाइन में, सीधा लाइन में और कर्व लाइन में, मतलब कर्व लाइन में भी पास करता है, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहते हैं। दोस्तों लोग समझ गए होंगे। अब इसका हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। प्रॉपर्टीज़ इसका क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का है, देखते हैं। पहला, इन आउटसाइड द चार्ज फॉलो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। इसका आउटसाइड चार्ज फॉलो करता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू, इसका फॉलो करता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इनसाइड द चार्ज फॉलो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू पॉजिटिव सेल। इसका चार्ज इनसाइड में नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल फॉलो करता है। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक साथ क्रॉस नहीं कर सकते हैं ना। चौथा पॉइंट देखते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर टर्मिनल टू द फील्ड लाइन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनल होता है फील्ड लाइन्स में। दोस्तों आप सब समझ गए होंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।